गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे जीके आई एम गोइंग टू डिस्कस दैप्टर नंबर एट दैट इज वस्ट हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल नेट के बारे में जानेंगे सो लेट्स स्टार्ट विथ दैप्टर वंडरफुल नेस्ट अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नेस्ट क्या होता है आप सभी लोग अपने घर में रहते हो घर क्यों बनाते हैं हम लोग ताकि उसमें हम लोग सेफ रह सके उसी तरीके से बर्ड्स जो अपने घर बनाती है उसे हम नेस्ट कहते हैं बर्ड्स नेस्ट, है, नेस्ट इसलिए बनाती हैं, ताकि वो ले कर सके एग्स को और प्रोटेक्ट कर सके अपने यंग वंस को प्रीडेटर्स से और बैड वेदर से प्रेडेटर्स कौन होते हैं प्रेडेटर्स एनिमी बर्ड्स होते हैं इसलिए बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ताकि वो इन एनिमी बर्ड से अपने यंग वंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके इस चैप्टर में आपको नेस्ट के कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि वो नेस्ट का डिस्क्रिप्शन किस बर्ड से रिलेटेड है फर्स्ट वन एंड डैश यूजेस ग्रास एंड मड टू मेक इट डीप कपलाई नेस्ट -like ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि ग्रास और मर्ड का कर यूज करके एक बी आई एन रॉबिन अमेरिकन रॉबिन अपने ब्राइट ऑरेंज बेली के लिए जानी जाती है अमेरिकन रॉबिन को हम लोग स्प्रिंग बर्ड्स भी कहते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग बर्ड है सेकंड वन अ डैश बिल्ड अ टाइनी नेस्ट यूजिंग मॉस फेदर्स लीव्स थीसिल्स इटीसी ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि मॉस फेदर्स लीव्स थीसिल्स का यूज करके अपने नेस्ट को बनाती है मॉस एक तरीके का ग्रीन प्लांट है थीसिल्स भी एक प्लांट है इन सभी का यूज करके अपने नेस्ट को बनाती है दी आंसर इज हमिंग बर्ड एच यू डबल एम आई एन जी हमिंग बी आई आर डी बर्ड हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड एक बहुत ही स्किलफुल बर्ड है ये हवा में एक ही जगह पे अपने टेल पे स्टैंड कर सकती है ये एक ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाई कर सकती है बैकवर्ड साइड और इवन

माइग्रेटरी का मतलब होता है ऐसे बर्ड्स जो कि ट्रेवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एट रेगुलर इंटरवल्स और ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही लंबे डिस्टेंस के लिए ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं फोर्थ वन असट बाय स्विंग टुगेदर लीव्स एंड टाइप्स ऑफ ग्रास ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि अपने नेस्ट को स्टिच करके बनाते है क्या करता है हमारे कपड़ों को स्टिच करता है उसी तरीके से ये बर्ड भी बहुत ही स्मॉल बर्ड है जो कि अपने नेस्ट को स्टिच करके बनाती है

ये कुछ टाइम अपने लाइफ का लैंड पे बिताते हैं और कुछ टाइम सी में फाउंड ओनली इन कोल्ड क्लाइमेट जो पेंग्विंस होते हैं वो सिर्फ फाउंड होते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स में जहां पे क्लाइमेट कोल्ड हो यानी ठंड क्लाइमेट जहां हो वहीं पे पेंग्विन्स फाउंड होते हैं वन अ डैश मेक्स कैविटी नेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री ऐसा कौन सा बर्ड है जो की ट्री डब्लू वुड पेकर बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल बर्ड है जो कि वेल नोन है फॉर द वुड ऑफ ट्रीज पॉइंटेड बीक्स। ये अपने बीक से पॉइंटेड बीक से स्ट्राइक करते हैं इन द ब्रांच ऑफ ए ट्री